कंपैरिजन टेस्ट यही है, अब तुलनात्मक परीक्षण, बस अब ये तीन चार टेस्ट हैं और उसके बाद जो पहली एक्सरसाइज है उसमें से एक क्वेश्चन आता है, तकरीबन दो तक पहुंच जाता है इस, कई बार ये सीरीज वाले चैप्टर से दो क्वेश्चन तक आ जाते हैं। कंपैरिजन टेस्ट, तुलनात्मक परीक्षण, तुलनात्मक, तुलना परीक्षण, चलो पहला कंपैरिजन टेस्ट वन, अब वो क्या कह रहे हैं, यदि समेशन यूएन तथा समेशन वीएन, आपकी बुक में एक बड़ा अच्छा काम है कि सबसे पहले सिर्फ पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज की बात की गई है, अब मैं जब तक चलूंगा पहले पॉजिटिव टर्म बाद में अल्टरनेटिंग चला है, यदि समेशन यूएन तथा समेशन वीएन दो धनात्मक पदों की श्रेणी है की श्रेणी इस प्रकार है, इफ समेशन यू एन एंड समेशन वी एन आर पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट पहला यदि यूएन से बड़ा वीएन है, यदि यूएन से बड़ा वीएन है हमेशा, मतलब यूएन से बड़ा वीवन, यूटू से बड़ा वीटू, यूथ्री से बड़ा वीथ्री, सो ऑन, और साथ साथ बड़ी वाली सीरीज, बड़ी वाली सीरीज कहने का मतलब है मेरा जिसका सम ज्यादा है, भाई अगर इसकी हर टर्म तो दोनों पॉजिटिव है और इसकी जो इसका जो सम है अगर वो कन्वर्जेंट हो गया, यानी ये सीरीज कन्वर्जेंट होने का मतलब इसका सम अगर फाइनाइट आ गया, भाई हर यूआई से बड़ा वीआई है और सभी वीआईज का टोटल करने पर एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो व्हाट अबाउट दिस, देखो अगर सीरीज सारी पॉजिटिव है ना तो जुड़ते जुड़ते या तो किसी फाइनाइट नंबर तक जाएगा या इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, इसके बाद दो ही ऑप्शन है, इंफिनिटी को अपसरित या अभिसारी। यदि यूएन से बड़ा वीएन है तथा समेशन वीएन अभिसारी है, इससे कंक्लूजन क्या मिला, समेशन यूएन भी अभिसारी होगा। इफ यूएन इज लेस देन इक्वल टू वीएन फॉर ऑल एन एंड समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट, समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट, और अगर समेशन वी एन कन्वर्जेंट हो गया, बड़ी वाली सीरीज जिसका टोटल ज्यादा था अगर वही कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली सीरीज तो भाग के कन्वर्जेंट है, कोई डाउट ही नहीं है, और अगर छोटी वाली सीरीज का टोटल डाइवर्जेंट हो गया, ये डाइवर्जेंट सिर्फ इन्फिनिटी को डाइवर्जेंट वाला डाइवर्जेंट है, क्योंकि जब सारी टर्म पॉजिटिव है तो जुड़ने के बाद क्या होगा, दोलायमान की स्थिति तो खत्म है, अरे दोलायमान होने के लिए तो कम होना पड़ेगा ना वापिस, जब हर अगली टर्म जुड़ती ही जा रही है तो आगे आगे ही बढ़ रहा है, डाइवर्जेंट या तो ऑसिलेट फाइनाइटली खत्म, ऑसिलेट इनफाइनाइटली खत्म, माइनस इन्फिनिटी को कैसे जाएगा जब सारी टर्म ही पॉजिटिव है, तो सिर्फ बचा इन्फिनिटी को डाइवर्जेंट, इसलिए मैंने जब कन्वर्जेंट वाली बात बोली, अगर अब यूएन वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, यूएन वाली सीरीज डाइवर्जेंट है मतलब अगर इसका टोटल ही इनफाइनाइट आ गया तो बड़ी वाली सीरीज कहां जाएगी, इनफाइनाइट को जाएगी, अरे वो तो पहले ही ज्यादा है ना इससे, अरे हर यूएन से बड़ा वीएन है, इसका टोटल ही अनंत है तो उसका टोटल तो अनंत की तरफ होना ही है। सेकंड, यदि यूएन इज लेस देन इक्वल टू वीएन तथा समेशन यूएन अपसारी है, अपसारी है, implies
समेशन वी एन भी अपसारी होगा। बड़ी वाली छोटी वाली सीरीज ही अगर डाइवर्जेंट हो गई, छोटी वाली सीरीज ही अगर डाइवर्जेंट हो गई तो बड़ी वाली सीरीज स्टूडेंट ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट हो जाएगी।